हे गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होइएगा। और अच्छे क्या रहना यार, इतना गर्मी पड़ रहा है कि दशा ख़राब हो गया है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी सरकारी स्कूल के पास, और थोड़ा सा माइंड भी ठीक नहीं है, इस कारण बैठा हूँ यहाँ पे। मिनिमम आधा एक घंटा से बैठा हूँ यहाँ पे। बहुत गर्मी पड़ रही है यार हमारे बिहार में। और बताइए आप लोग कैसे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ भी गर्मी पड़ रहा है क्या। अभी थोड़ा सा धूप थोड़ा कम हुआ है तो यहाँ पे आया हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, तो देख यहाँ पे बैठा था मैं और काफ़ी तेज़ धूप आता है यहाँ पे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, फाइनली यहाँ पे आ गया हूँ। तो बने रहे रोशन गुप्ता ब्लॉग के साथ। इतना ना तेज़ धूप हो रहा है कि दशा ख़राब हो जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोग, सरकारी स्कूल के पास आके मैं बैठा था और माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इस कारण यहाँ पे अकेले आ गया हूँ। किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हूँ कि यहाँ पे आया हूँ। आ गया घूमते घूमते, यहाँ पे आके बैठा था बहुत देर से। कुछ लोग पूछ रहे थे यहाँ पे अकेले बैठे हो, तो बोला हाँ यूँ ही, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही तो क्या करूँ, है कि नहीं। अभी सब लोग हैं यहाँ पे खेतों में, लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आके बैठा था यहाँ पे। कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा धूप कम हुआ है, लेकिन अभी फिर भी है, रहना चाहिए उतना नहीं है। थोड़ा सा हवा भी चल रही तो थोड़ा सा रिलैक्स बुझा रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन गरम गरम हवा चल रहा है यार, क्या पता चलेगा, है कि नहीं। हमारे बिहार में इतना ना गर्मी बढ़े यार, पता नहीं भगवान कहाँ से भेज दी है गर्मी, समझ ही नहीं आ रहा है। दोपहर में तो कुछ करने का मन नहीं करता, सुबह में छः सात बजे के आसपास तो धूप इतना तेज़ हो जाता है ना कि कहीं निकलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा धूप होता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा धूप निकल गई थी, कहीं आने जाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल अभी उतना नहीं है, मौसम अभी शाम का है, तो मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे स्कूल के पास आया था और बैठा था यहाँ पे, तो मन नहीं लग रहा था मेरा, तो आ गया और सोच रहा हूँ चलो ब्लॉगिंग शूट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं धूपा से तो दशा ख़राब हो गया था, बट अभी जैसे जैसे थोड़ा सा शाम हो रही है वैसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है कि हाँ गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल रहा है। धूपा से बहुत ज़्यादा धूप था यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो होना है वो तो होगा ही। नहीं यार, घूम रहा हूँ आगे पीछे घूम रहा हूँ, फिर चले जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि अकेले रहना भी तो ठीक नहीं होता है ना। और लाइट का भी थोड़ा सा स्थिति थोड़ा गर्मी के कारण ख़राब रह रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं है। गर्मी तो पड़ता ही है, लेकिन उतना नहीं पड़ता यार, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है हमारे बिहार में। गर्मी इतना ना पड़ रहा है कि हमारे बिहार में गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अगर दोपहर में अगर निकलोगे आप लोग मेरे इधर, तो बस लगेगा ऐसे कि झुलस जाओगे, इतना गर्मी है कि झुलस जाओगे। लोग आगे पीछे बहुत कम निकलते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। लोग अभी इस कारण वही चार बजे के बाद लोग मार्केटिंग करने जाते, चाहे कहीं भी जाना आना रहे तो 4 बजे के बाद ही जाते हैं। ऐसे तो गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है ना कि दशा ख़राब हो जाता है, बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे हमारे बिहार में। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले से। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे, दशा ख़राब हो गया था। ठीक है, इस तो जा रहा है, देखिए यहाँ पे फाइनली बहुत देर रुके यहाँ पे, बट धूपा से बहुत रिलैक्स हुआ है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, आराम भी कर लिया और थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो गया। तो जा रहे हैं अब घर पे, थोड़ा फ़ोन उन आ रहा है, वहाँ से घर से कॉल आ रहा है कि कहाँ पे है, बिना बताए जो आए थे। माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ है, अब यहाँ से जा रहे हैं। पता नहीं गर्मी कितना दिन रहेगा, पता नहीं, भगवान जाने। बहुत गर्मी पड़ रहा है यार यहाँ पे, गर्मी से लोग मार्केट में भी नहीं आ पाते हैं, और मैं तो खुद हूँ, शाम हुआ है तो निकला हूँ। तो चलिए हम आपको आगे का सीन दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे साथ, ठीक है।